हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में और नई लोकेशन के साथ। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको हम मायावती पार्क भी कहते हैं, हाथी का पार्क भी कहते हैं, और सेक्टर 95 में है नोएडा में। और यहाँ पर जो टाइमिंग है सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक है। काफ़ी लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे रील बनाते हुए। लोकेशन बहुत प्यारी है और यहाँ पर जो ये हाथी और ये पत्थर का जो काम हो रखा है बहुत खूबसूरत है, और लाइटिंग के साथ जो इसका अट्रैक्शन है वो और बढ़ जाता है। तो आज हम इसको देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो आइए मेरे साथ करते हैं एंट्री। दोस्तों, आप अगर अपनी गाड़ी से यहाँ आना चाहते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग नहीं है। हो सकता है थोड़ी दूर आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़े। अगर आप मेट्रो से आएंगे तो वो आपके लिए बेस्ट टूर रहेगा। तो यह है इसका टिकट काउंटर इसके बराबर में। तो इसकी टिकट है यहाँ पर 20 रुपये, और यहाँ पर ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और टिकट हमने ले ली है। ये 3 लोगों की टिकट है 60 रुपये की। ये इसका मेन गेट है और साइड से होती है एंट्री। तो चलिए अंदर एंटर करते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ से सनसेट का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अंदर आने के बाद यहाँ का जो व्यू है कुछ ऐसा दिखाई देगा, और यहाँ पर काफ़ी लोग आपको दिखाई देंगे। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। लगभग 33 एकड़ एरिया में इस पार्क को बनाया गया है। ये नोएडा का सबसे बड़ा पार्क है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और ऊपर चल के यहाँ से चारों तरफ का व्यू देखते हैं। और ये देखिए, मैं थोड़ा ऊपर आ गया हूँ यहाँ पर, और यहाँ से हम देखेंगे व्यू। और ये हाथी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और काफ़ी सारे लोग आपको दिखाई देंगे। अक्टूबर 2011 में इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया था, और इसको बनाने के लिए यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर का जो इस्तेमाल है वो किया गया था, और काफ़ी सुंदर इसको बनाया गया है। इसी स्मारक के साथ साथ यहाँ पर एक विशाल गुंबद भी है, और जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और काशीराम जैसे महापुरुषों की विशाल प्रतिमा भी बनी हुई है। और ये सामने जो दरवाज़ा है ये अभी बंद है, और इसी के अंदर हैं वो प्रतिमाएँ। तो लोग यहाँ आके अभी सेल्फी फोटोग्राफी करते हैं। दरवाज़ा देख सकते हैं आप कितना बड़ा है, और इसके चारों तरफ जो पिलर हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। तो चारों तरफ का जो नज़ारा है वो कुछ यहाँ से ऐसा दिखाई देता है। चलिए अब चलते हैं इसके पीछे की साइड। दोस्तों, किसी भी कॉर्नर से अगर आप देखेंगे तो आपको जो पार्क का व्यू है वो बहुत प्यारा दिखाई देगा, और यहाँ से नोएडा की बिल्डिंग भी आपको दिखाई देंगी काफ़ी ऊंची ऊंची। और ये जो हाथी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये टोटल यहाँ पर 24 हाथी हैं जिनकी ऊंचाई यहाँ पर 18 फीट है। और भीड़ देख सकते हैं आप सामने, अभी हम वहाँ भी चलेंगे। तो काफ़ी बड़ा पार्क है और काफ़ी सुंदर है, और यहाँ पर रील बनाने वाले बहुत लोग आते हैं, और यहाँ पर आपको दिख भी जाएंगे, अभी हम देखेंगे नीचे चल के। अगर इस स्मारक को हम पीछे से देखें तो कुछ ऐसी नज़र आती है, यहाँ से भी काफ़ी सुंदर है। और थोड़ा आगे चल के देख लेते हैं हम, ये साइड से देख सकते हैं यहाँ से, और इसके जो पिलर हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, और यहाँ की जो कारीगरी है आप देख सकते हैं बहुत प्यारी है और काफ़ी अच्छी है। और ये साइडों में यहाँ पर एक नाली बनाई गई है पानी के लिए, ताकि यहाँ पर बीच में पानी ना भरे, साइड से निकल जाए। तो ये था इसका चारों तरफ का व्यू। और चलते हैं हम दूसरी साइड, नीचे की साइड, और यहाँ देख सकते हैं आप इधर की साइड भी आपको हाथी दिखाई देंगे। जैसा मैंने बताया कि 12 हाथी एक साइड हैं और 12 हाथी एक साइड हैं, टोटल 24 हैं, और इसीलिए इसका जो नाम है, लोग यहाँ पर हाथीवाला पार्क के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये सनसेट होता हुआ आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा व्यू है। तो चलते हैं नीचे की साइड। दोस्तों, नीचे की साइड से अगर हम देखें तो काफ़ी सुंदर व्यू हमें दिखाई देता है, और ये जो ग्राउंड है काफ़ी बड़ा है, और ये देख सकते हैं जो मैंने रील की बात करी थी, लोग यहाँ पर रील बनाते हुए देख सकते हैं आप। तो ऐसे हमें कई लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। दोस्तों, नोएडा का सबसे बड़ा पार्क तो ये है ही, और इसी के साथ इसको हम राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल भी कहते हैं। लोग यहाँ पर वीकेंड में पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं, उनका पसंदीदा स्थान है दिल्ली NCR का। और यहाँ पर दोनों साइड आप देख सकते हैं बड़े बड़े पार्क बनाए गए हैं, तो ग्रीनरी का भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखा गया है, तो इसको ग्रीन पार्क के नाम से भी यहाँ जाना जाता है। और अब चलते हैं हम सामने की तरफ। तो ये देखिए, यहाँ पर भी
ये आपको कुछ इस तरह के फाउंटेन और हाथी के साथ ये कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। यहाँ पर भी लोग काफ़ी फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अभी फाउंटेन बंद हैं और ये देख सकते हैं यहाँ से जो व्यू है कुछ ऐसा नज़र आता है। दोस्तों थोड़ा सा अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो आपको पता लगेगा कि कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, कितनी अच्छी कलाकारी यहाँ पर दिखाई गई है। दोस्तों लोकेशन तो बहुत प्यारी है वीडियोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी के लिए, तो इसलिए लोग यहाँ पर ज़्यादा रील बनाना पसंद करते हैं। दोस्तों मैंने एक साइड पूरी घुमा दी है और ऐसी ही सेम दूसरी साइड भी है, तो वहाँ भी चल के देख लेते हैं हम कितनी भीड़ है और वहाँ पर कुछ अलग है या नहीं है। और इसके चारों तरफ का जो मैंने दिखाया एरिया काफ़ी सुंदर बना हुआ है और हाथियों से जो इसकी लुक है काफ़ी सुंदर हो जाती है, तो काफ़ी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, दोस्तों अब आ गए हैं हम दूसरी साइड। और जैसा कि मैंने बताया कि नोएडा का सबसे बड़ा पार्क है और यहाँ पर 33 एकड़ में ये फैला हुआ है और कहा जाता है कि यमुना के किनारे तक फैला हुआ है। और जैसा मैंने दिखाया था कि रील बनाने के लिए बहुत फेमस जगह है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं डेमो। और यहाँ पर कोई म्यूज़िक नहीं है, कोई गाना नहीं है, विदाउट सॉन्ग ये अपना डांस कर रहे हैं। अब आपको कोई गाना या म्यूज़िक समझ आ रहा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन से गाने पर डांस कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं डांस। तो ऐसे आपको कई लोग और भी मिल जाएंगे यहाँ पर। चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक रील यहाँ पर भी बनाई जा रही है, आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पर कुछ डांस कर रहे हैं किसी गाने पर। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा कि क्या करके लोग यहाँ पर पैसा कमाते हैं, तो वो यही चीज़ है, रील बना बना के, शॉर्ट बना बना के लोग यहाँ पर फेमस हो जाते हैं और पैसा भी कमाते हैं। तो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे और यहाँ पर भी देख सकते हैं दो पार्क हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, और काफ़ी बड़ा एरिया है इनका भी। और ऐसे ही यहाँ पर हाथी और फाउंटेन का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ से अगर देखें तो बीच में वो स्मारक दिखाई देगा जो सेंटर में है। और अगर ऊपर से देखें तो हम कुछ व्यू यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल सेम बनाई गई है ये चीज़, जैसा लेफ्ट में थी ऐसी राइट में। और भीड़ अभी भी यहाँ पर काफ़ी है, शाम का वक्त होने को है और ये देखिए यहाँ पर भीड़। दोस्तों जहाँ से हमने टिकट ली थी वहाँ लिखा हुआ था कि रील बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन जितना वहाँ लिखा हुआ था उतनी ही यहाँ पर रील भी बनाई जा रही है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी भी काफ़ी है कि ताकि कोई गंदगी ना फैलाए। और ये देखिए यहाँ पर जो व्यू है कुछ ऐसा नज़र आता है। तो लगभग हमने पूरा घूम लिया है और काफ़ी लोग यहाँ पर दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, एक बार आपको भी यहाँ पर आना चाहिए, देखना चाहिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। दोस्तों मैंने दिखाया आपको पूरा नोएडा का जो ये पार्क है और कितना सुंदर बना हुआ है, आपने देखा, और कितने लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और ये पार्क कैसा लगा आपको, यहाँ की जो वीडियो है ये कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे शेयर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो में नई लोकेशन के साथ फिर ले चलूँगा आपको कहीं और, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। दोस्तों चलने से पहले एक बार ये लाइट यहाँ पर जल चुकी है, यहाँ का जो व्यू है रात का देख लेते हैं, बहुत प्यारे नज़र आ रहे हैं हाथी यहाँ पर। और चारों तरफ का व्यू अगर देखें तो कुछ इस तरह का नज़र आता है। और अभी ये लोग यहाँ से जाने लगे हैं क्योंकि जो टाइमिंग है वो 8 बजे तक की है। चलिए नई वीडियो में फिर मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।